Everybody, welcome to your channel Learn with Smile by Disha. So in today's video we are going to learn about LCM using prime factorization method. In the previous video you have learned about LCM and LCM using listing method, and in the earlier videos you have learned about prime factors, prime numbers, prime factorization and so on. So let us just revise what is prime factors. In prime factorization we factorize the numbers into prime numbers called prime factors. There are many prime factors or prime numbers such as 2, 3, 5, 7 and so on. So we are going to understand this prime factorization method by some examples. Here we have been given two numbers, 12 and 18, and we are going to find this LCM of these two numbers by prime factorization method. While doing prime factorization method we are going to do these two numbers separately. So first I am going to take 12. Now what do we have to do? We have to divide the number 12 by the smallest prime number which divides the number exactly. Now we have been asked, matlab hame pucha gaya hai ki hame ye 12 ko sabse smallest prime number ke saath divide karna hoga. And sabse smallest prime number kaun hai? 2. So kya 2 is number ke saath divisible hai? Yes, 2 is divisible by 6. Matlab hum yahan 2 likh lenge. And then 12 divided by 2 gives the quotient 6. Let's write 6. हम 12 के नीचे 6 लिख दिए. फिर अगेन हम इसे डिवाइड करने वाले हैं. फिर से हम उसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर के साथ ही डिवाइड करेंगे. सो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और 6 2 के साथ डिवाइड हो रहा है. लेट्स राइट अगेन 2, देन वी गेट इज 3. नाउ नेक्स्ट अगेन वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस नंबर बाय द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, लेकिन 3 2 के साथ डिविजिबल नहीं है, इसीलिए नेक्स्ट स्मॉल प्राइम नंबर जो है उसके साथ हम 3 को डिवाइड करेंगे. नेक्स्ट स्मॉल प्राइम नंबर है 3, सो वी आर गोना डिवाइड 3 बाय 3. दैट गिव्स अस दिस, मींस 12 इज इक्वल टू 2 into 3. हम 1 को ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू दिस बाय 18. सो आपको एक चीज का याद रखना होगा, रिमेंबर दैट वी यूज ओनली प्राइम नंबर्स टू डिवाइड. ओके, नाउ अगेन वी आर गोना डिवाइड 18. 18 को फिर से हम सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर के साथ डिवाइड करेंगे, मतलब 2. 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड 18 इज डिवाइडेबल बाय 2. 2 के साथ 18 को डिवाइड करें तो कितना होगा? 9. अगेन वी आर गोइंग टू डिवाइड 9, बट क्या 9 2 के साथ डिवाइडेबल हो रहा है? नहीं. सो नेक्स्ट स्मॉल नंबर क्या है? 3. सो वी आर गोइंग टू डिवाइड 9 बाय 3, और 3 के साथ तो हो रहा है डिविजिबल 9, तो हम लिख लेते हैं 3 एंड यहाँ भी 3. अगेन हम 3 करेंगे क्योंकि 3 2 के साथ डिविजिबल नहीं है. सो 3 हमें मिल गया. तो 18 इज इक्वल टू क्या? 2 into 3 is equal to, मतलब LCM को कैसे निकालें? सो रिमेंबर यहां दो प्राइम फैक्टर्स लिए गए हैं, मतलब 2 एंड 3. सो द नंबर और द प्राइम फैक्टर विद द मैक्सिमम टाइम्स ऑफ ऑक्यूरेंस इज गोइंग टू बी द LCM. मतलब सबसे 2 कितना बार ऑक्यूर किया गया है इन दोनों नंबर्स में? दोनों नंबर्स में 2 यूज किया गया, बट मैक्सिमम कितना बार यूज किया गया है? 2 टाइम्स. मतलब हम 2 into 2 को दो बार लिखेंगे LCM में. सो LCM इज इक्वल टू 2 into 2, हम दो बार लिखेंगे. और ये जो 2 है, ये जो 2 बाकी रह गया, इसे हम नहीं लिखेंगे, मतलब लेट इट बी इन द प्लेस. नाउ नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3. सो 3 भी कितना टाइम ऑक्यूर किया गया है? मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्यूरेंस कितना है? 2. सो अगेन वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 2 into 2 into 3 into 3, दो दो बार, बिकॉज 3 एंड 2 हैव द मोस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्यूरेंस 2. और ये जो 3 रह गया, इसे हम लेट इट बी वहां ही रहने देंगे. सो 2 into 2 कितना है? 4. देन 4 into 3 कितना है? 12. एंड 12 into 3 कितना है? 36. सो द रिजल्ट कितना है? 36. रिमेंबर कि ये दोनों नंबर्स में जो प्राइम फैक्टर्स है, जिसका ऑक्यूरेंस सबसे ज्यादा है वो लिख लेंगे, एंड उन सभी नंबर्स को जो एलसीएम में लिख लिया है उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे. देन वी आर गोइंग टू गेट द एलसीएम इजिली. अगेन वी आर गोइंग टू टेक अनदर एग्जाम्पल. नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें दिया गया है 30, 48 एंड 72. तो लिख लेते हैं 30. तो पहले 30 को डिवाइड करते हैं. 30 क्या 2 के साथ डिविजिबल है? सो यस. बट अभी 15 हमें क्वेश्चन मिल गया, एंड क्वेश्चन 15 इज नॉट डिविजिबल बाय 2. सो वी आर गोइंग टू डिवाइड 15 बाय द नेक्स्ट स्मॉल प्राइम नंबर, मतलब 3. सो 3 के साथ डिविजिबल है,
एंड देन वी गेट इज फाइव. अभी देखिए, फाइव जो मिला है ये थ्री के साथ नहीं है, टू के साथ नहीं है. सो टू एंड थ्री के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है फाइव. सो ये फाइव इसके साथ ही डिविजिबल है. मतलब हम लिखेंगे यहाँ फाइव एंड हमें मिल गया वन. सो ये हो गया मीन्स फिनिश्ड. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू विथ 48. 48 तो टू के साथ है डिविजिबल. तो 48 टू के साथ डिविजिबल है तो हमें मिलता है क्वेश्चन 24. देन अगेन 24 इज डिविजिबल बाय 2 एंड वी गेट इज 12. अगेन 12 इज डिविजिबल बाय 2. मतलब ये सभी नंबर्स 2 के साथ डिविजिबल है और हमें मिल रहा है 6. एंड 6 इज अगेन डिविजिबल बाय 2. दैट मीन्स 3. बट इज 3 डिविजिबल बाय 2? नो. सो वी आर गोइंग टू डिवाइड 3 बाय द नेक्स्ट प्राइम नंबर 3. देन फिनिश्ड. नेक्स्ट हमें जाएंगे 72 में. अब 72 भी तो है डिविजिबल 2 के साथ. देन वी गेट इज 36. अगेन 2 भी डिविजिबल है 36 के साथ. देन वी गेट इज 18. अगेन 18 इज डिविजिबल 2 के साथ. देन वी गेट इज व्हाट 9. नाउ इज 9 डिविजिबल बाय 2? नो. सो वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस बाय द नेक्स्ट स्मॉल प्राइम नंबर दैट इज 3. अगेन 3 एंड अगेन 3 इज डिविजिबल बाय 3. हो गया. सो 30 इज इक्वल टू 2 × 3 × 5. 48 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 × 3. एंड 72 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 3 × 3. सो देयर फोर एलसीएम क्या होगा? फिर से नंबर विद द मोस्ट टाइम ऑफ ऑक्यूरेंस. यहाँ टोटली 3 नंबर्स ले गए. एक तो 2 है, 3 है एंड 5 है. सो फर्स्ट हम 2 के साथ लेते हैं. सो 2 का सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्यूरेंस कहाँ है, मतलब 2 सबसे ज्यादा यूज कहाँ किया गया है? 30 में इसे सिर्फ एक बार यूज किया गया है. 48 में इसे 4 बार यूज किया गया है. लेकिन 72 में इसे 3 बार यूज किया गया है. सो द मोस्ट नंबर ऑफ ऑक्यूरेंस इज 4. तो हम 2 को एलसीएम में 4 बार लिख लेंगे बिकॉज मोस्ट ऑक्यूरेंस 4 ही है. सो 2 × 2. देन वी हैव 3. सो 3 है 30 में सिर्फ एक बार, 48 में भी एक बार, लेकिन 72 में 2 बार. सो हम इसे 2 बार लिखेंगे. 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे. एंड हमारा 5 तो सिर्फ 30 में है. तो जो एक मीन्स एक प्राइम फैक्टर जो सिर्फ एक ही नंबर में यूज किया जाता है वो तो हमें रिमेनिंग है और उसे हम मल्टीप्लाई करना है. 5 सिर्फ यहाँ यूज किया गया है इसीलिए हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. नाउ 2 × 2 कितना है 4. 4 × 2 कितना है 8. 8 × 2 कितना है 16. 16 × 3 कितना है 48. एंड 48 × 3 कितना है 144. एंड 144 × 5 कितना है 720. देयरफोर द एलसीएम इज 720. अगेन वी आर गोइंग टू गो इंटू अ नेक्स्ट एग्जाम्पल. यहाँ 4 नंबर्स दिए गए हैं एंड इट्स अ लिटिल बिग. 90 पहले दिया गया है. 90 अब 90 तो 2 के साथ है ही. सो लेट्स टेक इट. बट जो क्वेश्चन मिला है 45 इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2. सो हम नेक्स्ट के साथ लेते हैं 3. 3 के साथ ये है. अब 15 भी 3 के साथ ही जाएगा लेकिन इसके बाद जो नंबर मिला ये 3 के साथ नहीं जा सकता तो इसे 5 के साथ दे देते हैं. हो गया. देन वी हैव 108 भी 2 के साथ है, मतलब 54. अब ये भी जाता है 2 के साथ, मतलब 27. नेक्स्ट 27 तो 2 के साथ नहीं जाएगा तो 3 के साथ जाता है. 3 लिख लेते हैं. अगेन 3 हो गया. हमें ऐसे ही प्रोसेस रिपीट करना होगा जब तक हमारा ये क्वेश्चन 1 नहीं हो जाता. तो 1 हो गया. देन नेक्स्ट वी हैव टू डू बाई 4. 144 के साथ 2 डिविजिबल है तो 72. 72 के साथ भी है 36. 36 के साथ भी है 18. 18 के साथ भी है 9. अब 9 के साथ नहीं है तो 3 लेना पड़ेगा. एंड अगेन 3. अब नेक्स्ट नंबर रह गया है 152. 152 तो है ही 2 के साथ तो मिलता है 76. इसे 2 के साथ ले 38. इसे 2 के साथ ले 90. लेकिन 19 तो डिविजिबल नहीं है 2 के साथ. नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3. 3 के साथ भी डिविजिबल नहीं है. 5 के साथ भी डिविजिबल नहीं है. 7 भी नहीं है.
11 भी नहीं है, देन 13 भी नहीं है, एक बार में ये डिविजिबल होता है 19 के साथ, सो वी आर गोइंग टू गिव 19, हो गया। नाउ लेट्स राइट डाउन, इंटू थ्री 144 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 एंड नेक्स्ट यहां 152 इज इक्वल टू 2 इंटू 19। नाउ देयरफॉर LCM इज इक्वल टू, यहां दिया गया है तो देखते हैं हमें यहां कितना नंबर्स दिया गया है। मोस्टली हमें 4 नंबर्स दिया गया है, 2, 3, 5 एंड 19। तो पहले हम देखते हैं 2, 92 में कितना बार यूज किया है, सिर्फ एक बार, 108 में 2 बार, 144 में 4 बार एंड 152 में 3 बार। सो मोस्ट नंबर ऑफ ऑक्यूरेंस है 4, मतलब LCM में हम 2 को 4 बार यूज करेंगे, 2 हो गया। नेक्स्ट 390 में 2 बार, 108 में 3 बार, 144 में 2 बार एंड 152 में तो कहान भी नहीं है, सो मोस्ट ऑक्यूरेंस है इसका 3 बार, 2, 3। फिर नेक्स्ट हमारे पास 5 एक रह गया, तो 5 के साथ कर लेंगे एंड देन रह गया 19। सो नेक्स्ट 2 इंटू 2 है 4, 4 इंटू 2 है 18, 4 इंटू 2 है 8, देन 8 इंटू 2 है 16, 16 इंटू 3 है 48, 48 इंटू 3 है 144, 144 इंटू 3 है 432, 432 इंटू 3 है 2160 एंड 2160 इंटू 19 है 19 है 41040, ओके ये हुआ, थोड़ा सा बड़ा LCM है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, होप आपका मैंने सभी डाउट्स क्लियर कर पाई हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।